जदयू के दबंग विधायक की दबंगई एक बार फिर से सामने आई है। विधायक ने युवक को थप्पड़ मार दिया, साथ ही युवक से कहा कि हम ही डीएम के बाप हैं। दरअसल जीरो माइल में हाइवा ने केला विक्रेता को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बवाल काट दिया। इधर मौके पर पहुंचे जदयू विधायक गोपाल मंडल ने मृतक के परिजन को थप्पड़ जड़ दिया। मृतक के परिजन डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। इस पर गोपाल मंडल ने कहा हम ही डीएम के बाप हैं। गोपाल मंडल युवक को जाम हटाने के लिए कह रहे थे लेकिन युवक ने मुआवजा की मांग की थी। इधर गोपाल मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी को नहीं बल्कि अपने आदमी को मारा है, उसे वहां से हटने के लिए कह रहे थे। हम आम आदमी को क्यों मारेंगे, हम क्या बेवकूफ हैं? मैंने हम अपने आदमी को मारे, हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको घींचता था, अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो घींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। अब क्या कुछ होगा आपके तरफ से भी कुछ? अरे देखिए, हम तो यही बोले 5 लाख हम दिलवा देंगे, बोले डीएम साहब आएंगे तब। हम एमएलए आ गए ना, डीएम साहब का हम बरका है, सरकार के लोग हैं, बिहार विधानसभा सचेतक है, हम आपको 5 लाख तो दिलवा देंगे तुरंत, पहले पोस्टमार्टम हो और प्रक्रिया FIR हो, दूसरी बात परिवहन विभाग से दिलवाएंगे, ये करीब 15-20 लाख दिलवाएंगे। इसलिए दिलवाएंगे, वो केला बेच, सुनिए, केला बेच के 15-20-30 हजार रुपया पर मंथ कमाता था और 6 बेटी उसको है, कहाँ से होगा, कैसे जुगाड़ा होगा? अगर 15-20 लाख हम दिलवा देते हैं 6 बेटी के नाम से, तो शादी विवाह होगा। भागलपुर में फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह के खिलाफ जिला परिषद के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नाथनगर जिला परिषद उत्तरी के सदस्य मिथुन कुमार के नेतृत्व में जिला परिषद के 20 सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के कार्यशैली से नाराज होकर सबसे पहले जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय, उसके बाद DC और उसके बाद जिलाधिकारी के कार्यालय जाकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने बताया कि आज तक केवल अकेवल जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा उन्हें ठगने का कार्य किया गया है। आप लोगों को तो पता ही, हम लोग जिला पार्षद सदस्य हैं और हम लोग चुनाव जीत के आए हैं विकास करने के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना योगदान देने के लिए, भागीदारी देने के लिए समाज के प्रति। तो हम लोगों को जनता ने जो चुनने का काम किया तो उसके लिए हम लोगों ने विकास का एक व्यवस्था अपने जिला परिषद में जो करने का काम देखा, वो हम लोगों को संतुष्ट हुआ और हम लोगों को इतना सा सम्मान भी नहीं मिला कि हम लोग जनता के बीच में मुंह दिखाने के लिए रहे हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग जो संविधान का नियम है, 2 साल के बाद जो अविश्वास लगाया जाता है, उसी लिए हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग संगठित होकर के अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ या विरुद्ध हम लोग डाले हैं। क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है जो अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आई? मुख्य कारण है कि हम लोगों के बीच कभी सामंजस्य नहीं रहा, हम लोगों को हेय दृष्टि से देखा गया। अध्यक्ष एक गार्जियन होता है और उन्होंने हम लोगों के साथ ठगने का कभी भी व्यवस्था नहीं दिया विकास का, और ठगने का हमेशा काम किया, और हम लोग अगर कभी उसको प्रणाम भी करते थे हम लोगों को इग्नोर किया जाता था। यही सब मुद्दाए हैं। और कितने जिला परिषद हैं आपके? 20 जिला परिषद हम लोग 20 अभी प्रेजेंट हैं और हम लोगों के साथ है। जीतने के लिए कितना चाहिए? हम लोगों को जीतने के लिए 16 चाहिए। कैसे काम होगा आगे? आगे काम हम तो यही आशा करते हैं कि जो हमारे साथ में सभी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, चाचा हैं, हमारे भाभी लोग सभी भैया सब हैं, हम लोग ऐसा काम करके दिखाना चाहेंगे कि बिहार में पहला स्थान लाने का काम करेंगे। ये मेरा आप लोगों से जरूर निवेदन है
और ये इस पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। कहां कहां मिले? आज हम लोग अध्यक्ष जी के अपने कार्यालय में आवेदन दिए, उसके बाद उप विकास आयुक्त को दिए और अभी जिला अधिकारी को हम लोग आवेदन दिए। तीनों जगह देना होता, हम लोग तीनों जगह दे करके रिसीविंग प्राप्त कर लिए। भागलपुर पुलिस ने लूटपाट करने पहुंचे दो कुख्यात अपराधी को दो देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र में फोरलेन निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने और लूटपाट करने ऋषि कुमार और अमरजीत कुमार पहुंचे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर दोनों गिरफ्तार कर लिया। ऋषि कुमार 3 महीना पहले ही जेल से बाहर आया है, वहीं अमरजीत कुमार का आपराधिक इतिहास है। कल दिनांक 29/12/23 रात्रि 8:30 बजे गोगा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां जहां फोर लेन का काम चल रहा है, वहां पे कुछ अज्ञात लोग इसके हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को कारित कर रहे हैं। तो इस सूचना प्राप्त होते ही तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई गई और जिसका नेतृत्व DSP कहलगांव शिवरंजन जी कर रहे थे, और इस टीम में थानाध्यक्ष घोगा श्याम प्रसाद ओझा, अजय कुमार मिश्रा घोगा थाना से, ये सभी वहां पे छापेमारी करने गए और छापेमारी के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से दो देसी कट्टा और दो कारतूस और 2800 रुपये भी बरामद किए गए। इनकी छापेमारी के क्रम में ये लोग मक्के के खेत में भागे, इनको खदेड़ के पकड़ा गया। स्वयं DSP साहब भी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और जो दो लोग पकड़े गए हैं वो एक ऋषि कुमार है और एक अमरजीत कुमार है। ऋषि कुमार जो है 3 महीने पहले ही जेल से बाहर निकला है, और अमरजीत कुमार जो है वो लूट के इसके ऊपर कांड सबौर थाना में था और ये फरार चल रहा था उसमें। 5 मई के माह में इसने लूट का कांड किया था, उसमें फरार चल रहा था ये तो। और ऋषि कुमार के ऊपर भी पहले से 2 केस, एक हत्या और एक आर्म्स एक्ट का केस अभी तक हम लोग पता चला है, और बाकी चीजें जो आपराधिक इतिहास इनका है वो पता किया जा रहा है। तो एक अच्छी सफलता है, और जैसे ही घटना की सूचना मिली तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और एक दो घंटे में ही उनको पकड़ लिया गया। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नया साल 2024 आने वाला है, सब इसकी तैयारी में जुटे हैं। हर कोई चाहता है कि नया साल का स्वागत धूमधाम से किया जाए। कोई नए साल में पिकनिक पर जाना चाहता है तो कोई डांस पार्टी करके नए साल को सेलिब्रेट करना चाहता है। ऐसे में भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित वी गार्डन जंगली जंक्शन नए साल की तैयारी के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो चुका है। यहां पुराने साल की विदाई एवं नए साल के स्वागत के लिए वी गार्डन जंगली जंक्शन में कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रम, डांस पार्टी और लजीज फूड की व्यवस्था की गई है। पिछले साल भी यहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाया गया था जो काफी शानदार रहा। वी गार्डन जंगली जंक्शन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी किफायती दर पर एंट्री टिकट मिल रहा है। एंट्री टिकट आप वी गार्डन जंगली जंक्शन में आकर बुक कर सकते हैं। वी गार्डन जंगली जंक्शन का पता है गुरट्ठा चौक के नजदीक सिकंदरपुर पानी टंकी के पास भागलपुर। अगर आप भी बीते साल की विदाई और नए साल का शानदार आगाज करना चाहते हैं तो वी गार्डन जंगली जंक्शन आकर अपनी जगह पक्की कर ले। सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं वी गार्डन जंगली जंक्शन हर साल नव वर्ष उत्सव का आयोजन करता है। इस वर्ष भी हम लोगों ने अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए नव वर्ष उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें आप अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आकर यहाँ के मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं तथा लजीज व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं लिया है उनसे मेरी अपील है कि आप वी गार्डन पर आकर अपना टिकट लें।
पता है गोरहट्टा चौक पानी टंकी सिकंदरपुर। धन्यवाद। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों में जाकर स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं और बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर आदेश दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कमरे की कमी है, लिहाजा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय आमापुर की, जहाँ विद्यालय के पास महज एक ही कमरा है और वहाँ कक्षा 1 से 5 तक करीब 200 बच्चे हैं। एक कमरे में सभी बच्चों को बैठा पाना मुश्किल है, लिहाजा स्कूल के परिसर में भीषण ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानी होती है, स्कूल में कमरा नहीं है जिस कारण स्कूल के सामने ही बच्चों को बैठना पड़ता है। NH 80 के किनारे स्कूल है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, डर बना रहता है। बच्चों को सुरक्षित रखना भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस तरह ठंड में खुले आसमान के नीचे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ कारण है, विद्यालय में एक ही कमरा है, एक बरामदा है और आज 2 शिक्षक हैं, एक HM थे वो निकले हैं, हम लोग 2 ही शिक्षक हैं तो क्या करें, इससे अच्छा बता सकते हैं समस्या है। अब सबको तो अलग अलग क्लास हम लोग बिठा नहीं सकते हैं, एक ही कमरा है, एक बरामदा है, हम लोग बाहर में बिठाए हैं, ऐसे ठंडी के मौसम भी है, ऐसे ठंड भी लगती है और यहाँ जो है कि दलित बस्ती का बच्चा सब आता है, देख ही रहे हैं, किसी को स्वेटर है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ है, किसी कारण हम लोग बच्चे को जो है धोखा दिखा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रही है जी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कमरे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस वजह से रूम नहीं है बच्चों को बैठाने के लिए। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी होती है। एक तो सड़क के बगल में जो है स्कूल है, ऊपर से 4 दीवारी भी नहीं है स्कूल में, बच्चों को संभाल के रखना और उन लोगों को मेन और लोगों को सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जा रही है यहाँ पे। हमें तो बहुत परेशानी तो हो ही रही है। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? 6 शिक्षक हैं अभी। कुछ छुट्टी भी है, कुछ जैसे HM है उनको कुछ विभागीय काम था तो गए हुए। बहुत परेशानी है यहाँ, लगभग 200 बच्चे हैं और एक कमरा है तो परेशानी तो जरूर है, बहुत ज्यादा परेशानी है। के पाठक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए लगातार दिशा निर्देश हो रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए सुधार तो धीरे धीरे होगा, कब तक सुधार होता है ये तो नहीं कहा जा सकता है। नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा? सुधार का मतलब क्या? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही तो कोई भी टीचर गुणवत्तापूर्ण दे पाएंगे शिक्षा। बिना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुए विद्यालय में कैसे रहेंगे, ना टीचर रह सकते हैं ना बच्चे रह सकते हैं, वो तो सबसे पहले जरूरी है। अभी मजबूरी है अभी, क्योंकि ठंड का टाइम है, बच्चे गाँव के बच्चे हैं, स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, अंदर में ठंड लगती है। हाँ गरीब बच्चे हैं, उसके बाद फिर कितने बच्चे अंदर में अट ही पाएंगे कि मैं बाहर अंदर में ले जा करके बैठाऊंगी। यहाँ कम से कम 2 टीचर है वो देख पा रहे हैं अभी। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के जमनी गांव में राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा जमनी दुर्गा स्थान में एक बैठक किया गया। मुख्य अतिथि नाथनगर विधानसभा के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी थे। मंच का संचालन व बैठक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया। बैठक में सैकड़ों भूमिहीनों ने भाग लिया। बैठक में 63 भूमिहीनों को वासगीत पर्चा निर्गत किया गया। बैठक में कहा गया कि जिन भूमिहीन परिवारों की जांच अंचल कर्मचारियों के द्वारा किया गया है उनका पर्चा बनवाया जाए। भूमिहीनों का आवेदन अंचल कार्यालय में जमा है, उन भूमि की जांच अंचल कर्मचारी के द्वारा किया जाए। उन्हें मूलभूत सुविधा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि की सुविधा दी जाए। मंच का संचालन अधिवक्ता नितेश निखिल ने किया। मौके पर सौम्य आदर्श, राजीव गांधी, शुभम, शिशिर कुमार, बाबूलाल मंडल, वीरेंद्र राम, अशोक मंडल, मुनिलाल चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। ऑर्डर करा के देंगे और आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन सब हम लोग देंगे। जो जैसे जैसे घर बनते जाएगा वैसे वैसे मिलता जाएगा। हम बिजली का भी इंतजाम कर रहे हैं, इंदिरा आवास पहले होगा, उसके बाद राशन कार्ड होगा, उसके बाद आधार कार्ड होगा, उसके बाद बिजली का इंतजाम होगा।
मतलब गरीबों के लिए सब सुविधा उपलब्ध करवाइएगा। जी जी, सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अपने जो भूमिहीन लोग हैं सबको भूमि भी देंगे, और भी अभी 63 आदमी को दे रहे हैं हम लोग, आगे भी और जल्दी हम लोग कुछ लोगों को देंगे। विधायक महोदय के द्वारा जो है ना 63 भूमिहीनों को पर्चा वितरण किया गया उनके हाथ के द्वारा। अब हम विधायक महोदय से विनती कर रहे हैं कि अब जिनको भी पर्चा जमनी खेड़ी बांध पिस्ता में नाथनगर विधानसभा के अंदर इनको प्राप्त हुआ है जमीन, अब विधायक साहब से नम्र निवेदन है कि सभी लोगों को इंदिरा आवास, वोटर आई कार्ड, जो भी जरूरत का चीज़ है उनको उपलब्ध कराने की कृपा करें। कलम की है कि 95 आदमी का जो है पर्चा देने का बात था, 63 आदमी को दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी आदमी को जो है पर्चा 2 से 3 दिन के अंदर देने का अथी किया गया है। सीओ साहब बोले हैं अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं किया जाएगा तो हम लोग हल्ला बोल जुलूस करेंगे। पर्वती, साकुन और यहाँ नाथनगर, उसके बाद इसाचक, उसके बाद दाटवाड, ये सबका जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गया है, लिस्ट में भी सबका नाम आ गया है। अगर ये 5 दिन के अंदर सीओ जो है जहाँ जहाँ का सीओ अगर जांच नहीं करता है तो ये उम्हार देख लीजिए, हम लोग डीएम साहब के यहाँ हल्ला बोल जुलूस करेंगे। विधायक जी से क्या बोले आज? विधायक जी से यही बोला गया है कि सर जितना आदमी को पर्चा मिला है उसको इंदिरा आवास दिया जाए, जमीन नापी करा के दिया जाए, उसके बाद उसका हर तरह का सुविधा दिया जाए, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, वृद्धा पेंशन, जिसको जिस जगह पर जो है उसको दिया जाए, सुविधा दिया जाए, बिजली का तार दिया जाए, पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, बिजली का रोशनी के लिए। यहाँ पर भी ऐसा होता है सर को दिखाएं कि सर यहाँ सांप बिच्छू रोज कुछ ना कुछ कांड होता है। बिजली का आवेदन दिया हुआ है, आवेदन देने से हमको लगता है साल भर हो गया, रोज आज लगेगा कल लगेगा, अभी तक देखिए पोल खाली है, और रात में माँ बहन बाहर इधर उधर जाती है, सांप बिच्छू निकलता है। इसलिए हम आप लोग के जरिया ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग के जरिया ही आज पहला नंबर, तो हम लोग बहुत खुश हैं आप लोग के जरिया, जितना भी मीडिया वाले भाई बंधु हैं आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा विद्या की आराध्या देवी मां सरस्वती और ब्रह्मा जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि जिस तरह राजद विधायक ने बयान दिया है वह राजद की मानसिकता को दर्शाता है जिसे हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नेत्री ने चेतावनी भरे लहजे में राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह और इस तरह के सनातन विरोधी बयान देने वाले नेताओं को चेताया और कहा कि अब जनता की अदालत में ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही कहा कि ऐसे बयान देने वालों को ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का माता सरस्वती के ऊपर और ब्रह्मा देवता के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कभी भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यह सिर्फ फतेह बहादुर की ही यह मानसिकता का परिचायक नहीं है जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बल्कि यह पूरे राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं की संस्कृति है कि वो बार बार हमारी सनातन संस्कृति पर, तो कभी हमारे देवी देवताओं पर, कभी हिंदू धर्म पर वो लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं एक बात चेताना चाहती हूँ फतेह बहादुर सिंह जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, और राष्ट्रीय जनता दल के सभी ऐसे नेता जो अपमानजनक टिप्पणी हमारी संस्कृति, धर्म और हमारे आराध्य देव पर करते आ रहे हैं कि एक दिन आपको जनता की अदालत में अपमानित होना पड़ेगा, और वहां से आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारी संस्कृति पर, हमारे सनातन धर्म पर और हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो आपका यह अपमानजनक जो टिप्पणी लगातार आप कर रहे हैं, इस पे कहीं से भी आपको माफी नहीं मिल सकती, आप ये माफी के योग्य नहीं है, आपको इसकी सजा ईश्वर देंगे। यह बात आप बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि आपको एक दिन ईश्वर भी इसके लिए माफ नहीं करेंगे। भागलपुर में एक गरीब किसान के अचानक होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके खाते में 1 करोड़ रुपये हैं और बैंक ने उसके खाते को फ्रीज कर दिया है। पूरा मामला पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र की अभिया का है, जहां के स्थानीय निवासी 75 वर्षीय संदीप मंडल ने अपने पुत्र को पासबुक अपडेट करवाने के लिए SBI बैंक भेजा तो बैंक के कर्मचारियों ने उसे बताया कि खाते में कहीं से 1 करोड़ रुपये आ गए हैं, जिस वजह से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। यह सुनकर संदीप मंडल का पुत्र हक्का बक्का रह गया और उल्टे पांव घर पहुंचा और पिता को सारी बात बताई। किसान संदीप मंडल ने बताया कि जैसे ही मेरे पुत्र ने यह सारी घटना बताई मैं भागे भागे बैंक गया और बैंक मैनेजर से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में
आप साइबर थाने में जाकर आवेदन दीजिए, वहां से रिपोर्ट आएगा तब जाकर आपका खाता अनफ्रीज किया जाएगा। किसान संदीप मंडल के अनुसार उनके SBI बैंक के खाते में सिर्फ उनका वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा आता है, पैसे बिना उनकी मर्जी के खाते में स्थानांतरित हुए हैं। वहीं अचानक इतनी बड़ी रकम बैंक अकाउंट में आ जाने से गरीब किसान की परेशानी भी बढ़ गई है। कितना पैसा आया है आपके अकाउंट में? 99 लाख। कहाँ से आया कुछ पता है? कोई पता नहीं है। क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते हैं। तो आपके अकाउंट में 99 लाख आ गया, आपको कोई पता नहीं चला? कैसे पता चला कि पैसा आया है? हम अप टू डेट करने लिए हम अपना लड़का को भेजे, हाँ। उसमें 5200 अप टू डेट हुआ है, हाँ। अब हमारा पैसा आता है पेंशन, हाँ। अब किसान के लिए सब मिला करके अभी हो रहा है 8400 में। अगर फेस हम लोग अप टू डेट किए हैं और पैसा नहीं निकलता है, CM साहब ने कहा जाइए साइबर थाना, वहां से जांच करके चिट्ठी हमको देगा तब हम खोलेंगे। मामले को लेकर मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे ने बताया कि जांच में पता चला कि उनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आ गए हैं। इस संबंध में तेलंगाना के वारंगल जिला में केस भी हुआ है, साथ ही बैंक को भी इस संबंध में नोटिस भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है, तेलंगाना पुलिस अगर संपर्क करती है तो उनका भी पूरा सहयोग किया जाएगा। मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक इतनी बड़ी रकम अकाउंट में कहां से आ गई, या पैसे किन के हैं, क्या यह काले धन को व्हाइट मनी में तब्दील करने का कोई आसान तरीका तो नहीं, क्योंकि नोटबंदी के समय कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें गरीब लोगों के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की जा रही थी और फिर काले धन के सौदागर मामूली पैसे देकर उस रकम को खाते से निकाल ले जाते थे। गोपालपुर थाना क्षेत्र में रेफर करता है, तो आवेदन ने किया है कि मेरा खाता फ्रीज हो गया। इसके संबंध में हम लोग जाँच किए, जाँच के क्रम बैंक से पता चला कि इनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आए हुए हैं, इसी कारण वहाँ होल्ड कर दिया गया। और 1 करोड़ रुपए के इसके संबंध में केस भी हुआ है वारंगल में, वारंगल जिला में, तेलंगाना के वारंगल जिला में इसका केस भी हुआ है, जो नोटिस बैंक को भी इसके संबंध में नोटिस बैंक को आया था जांच पड़ताल करने के लिए। बस यही वो किसान है और उसके खाते में पैसा आया हुआ है, 1 करोड़ आया, होल्ड कर दिया गया, तो इसके संबंध में जांच पड़ताल करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, और या तेलंगाना पुलिस संपर्क करती है तो उसके संबंध में हम उसका सहयोग करेंगे। क्या आशंका सर लग रही, कहां से पैसा आया होगा? पैसा किसी न किसी के खाते से ही इसमें डाला गया होगा, केस हुआ है तो इसका मतलब होगा कि साइबर फ्रॉड हुआ होगा। उसके संबंध में वहां की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है,